ये ले रहे, दो पाव दे उसको। देता हूँ। ए शाना, प्लेट लेके जाना। ए डेढ़ फुटिया। हाँ। ए जा रहे, वो उपेल का हिसाब ले ले। ए मंगिया, तू जाना, मेरी कमर दर्द कर रही है यार। ए चल जा, चल। काम चोर साला, जब से नाटक देख रहा हूँ तेरा। साला तुम लोग का भी टाइम आएगा एक दिन, दिखाता हूँ। किस डॉन के किरदार पर फिल्माई जाएगी फिल्म वास्तव 2? क्या रिश्ता था गांगूबाई काठियावाड़ी का इस डॉन के साथ? क्यों दाऊद इब्राहिम की पिटाई की मुंबई के इस खूंखार डॉन ने? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अभिनेता संजय दत्त की बड़ी तमन्ना रही कि वह अपनी अगली पीढ़ी को भी हिंदी सिनेमा में लेकर आए, लेकिन उनकी पहली पत्नी त्रिशा शर्मा ने, उनकी बेटी त्रिशाला ने इसे साफ इनकार कर दिया है। जुलाई में ही 61 इयर्स के हुए संजय दत्त ने इन दिनों काफी बीमार है। उनका वजन लगातार कम हो रहा है, लोग उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस अफारातवारी में लोग संजय दत्त की उस फिल्म की सालगिरह भूल गए हैं, जिसने उन्हें उनके करियर का सबसे बड़ा जीवनदान दिया था। खुद संजय दत्त ने ही बीते साल में कहा था, मैंने तमाम फिल्मों के लिए खूब मेहनत की है, लेकिन फिल्म वास्तव ने ही मुझे असल में ये सिखाया है कि एक्टिंग करना क्या होता है और एक्टर बनना क्या होता है। फिल्म वास्तव संजय दत्त के दिल के लिए बहुत करीब रहा है। इस फिल्म ने उन्हें उनके करियर का पहला बेस्ट एक्टर फिल्म मेकर पुरस्कार दिलाया है, और यही वह फिल्म है जिसके क्लाइमैक्स ने उन्हें अपने माता पिता नरगिस और सुनील दत्त की फिल्म मदर इंडिया को याद करके खूब रुलाया है। फिल्म वास्तव में पैसा लगा था अंडरवर्ल्ड के चर्चित नाम छोटा राजन के भाई दीपक निकलजे का, और कहते तो यही है कि ये फिल्म छोटा राजन के सामने आए अपराध की मजबूरियों के बारे में बनी थी, लेकिन इस बारे में कभी फिल्म से जुड़ी किसी व्यक्ति ने बात नहीं करी। वही साल 2020 की शुरुआत में मुंबई के पठान गैंग का मुख्य करीम लाल तब चर्चा में आया था जब संजय राउत ने मीडिया के सामने एक बड़ा खुलासा किया था। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलने आती थी। इस बयान के बाद से मुंबई से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में उथल पुथल मच गई, लेकिन यह खुलासे इतने सालों बाद 2020 में ही क्यों किए गए थे? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर किसी बॉलीवुड फिल्म का आगाज? आपको बता दे, भले ही आप लोग भूल गए थे, लेकिन मुंबई के लोग हमेशा इस नगरी पर छाए हैं, डॉन की छत्र छाया में जिए हुए हैं। जितना यह शहर सुबह की चहल पहल में सुंदर दिखता है, उतने ही गलत काम रात के अंधेरे में होता है यहाँ पर। 1999 की फिल्म वास्तव, जो कि मुंबई के डॉन छोटे राजन की कहानी बताई जाती है, के बाद इस फिल्म का सीक्वल भी तैयार किया गया है इस साल 2002 में, जिसका नाम था हथियार। फिल्म इतनी चली नहीं क्योंकि फिल्म में उतना दम नहीं था, लेकिन दम तो अब दिखेगा जब संजय दत्त KGF के बाद अपने ही इस पुराने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तव 2 की। आपको बता दे, रघु लौट रहा है, लेकिन इस बार एक नए अंदाज में। फिल्म के बारे में बताए तो यह मुंबई के पहले डॉन करीम लाला की है, और ये करीम लाला की ऑटोबायोग्राफी होगी जिसमें उनका किरदार संजय दत्त निभाएंगे, और यह शर्त खुद लाला ने ही रखी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के आगे हो भी क्यों ना, एक ही ऐसा एक्टर है पूरे बॉलीवुड में जिसने जेल के पीछे रातें गुजारी है, आतंकवादी का टैग हासिल किया है और इतने दंगों में नाम शुमार किया है। फिल्म की कहानी की जब लाला की आत्मकथा ही है, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि क्या देखने को मिलेगा आपको इस फिल्म में, और कौन से ऐसे किरदार शामिल होंगे जिनके नाम पहले कभी फिल्मों में नहीं लिए गए थे? करीम लाला मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन रहा था, साथ ही पठान गैंग का मुखिया भी था। करीम लाला साल 1911 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी बादशाहत मुंबई में चलती थी। करीम लाला पश्तून समुदाय का आखिरी राजा था। पश्तून समुदाय का अफगानिस्तान में अलग ही बकाल था।
परिवार अफगानिस्तान में कारोबार करता था, लेकिन करीम अपनी किस्मत को सिक्का चमकाने के लिए भारत आ गया। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। शेर खान भारत आया और सपनों की नगरी मुंबई पर छा गया। उस दौर में मुंबई बम्बई हुआ करती थी। लोगों का मानना है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन हाजी मस्तान मिर्जा था, वही मिर्जा जिस पर अजय देवगन ने फिल्म भी बनाई थी। लेकिन ये बात सच नहीं है। बताते हैं कि सबसे पहला माफिया डॉन करीम लाला था, जिसे खुद हाजी मस्तान भी सलाम करता था। लाला गैर कानूनी दंडों का बॉस था। जो दंडों गैर कानूनी होता था, करीम लाला का नाम उसमें जरूर आता था। इसके साथ वो जरूरतमंदों और गरीबों की भी मदद करता था, जिसके चलते उसकी अलग ही फैन फॉलोइंग थी। करीम लाला के बारे में वैसे तो कई किस्से हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम को पीटने वाला किस्सा वर्ल्ड फेमस है। दरअसल करीम लाला ने एक बार की डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम को लात घूंसे जमकर पीटा था। उस समय करीम के दौर में हाजी मस्तान का सितारा भी चमक रहा था। लोग उसके साथ जुड़ना चाहते थे। मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम खासकर के दो बेटे दाऊद इब्राहिम खासकर और शबीर इब्राहिम खासकर भी हाजी मस्तान की गैंग से जुड़ गए थे। इसके बाद दोनों ने करीम लाला के एरिया में तस्करी का धंधा शुरू कर दिया था। बस लाला का दिमाग ठनक गया और उसने दाऊद को गतिर गतिर कर खूब पीटा। दाऊद ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कुछ महीनों बाद दाऊद फिर से करीम लाला के इलाके में आया और धंधा करने लगा, जिसके बाद लाला ने दाऊद को बाई शबीर का हत्या करवा दिया। शबीर के कत्ल के से दाऊद इब्राहिम तिलमिला उठा था और शबीर की मौत के ठीक 5 साल बाद 1986 में दाऊद इब्राहिम के गुंडों ने करीम लाला के भाई रहीम काम को मौत के घाट उतार दिए थे। बता दें कि 19 फरवरी 2002 को 90 साल की उम्र में मुंबई के करीम लाला की मौत हो गई थी। यह वही साल था जिस साल संजय दत्त की फिल्म हथियार आई थी। लाल चाहे दुनिया से जा चुका हो, लेकिन उसका नाम और आज भी दबदबा उठता है मुंबई में। वही मुंबई के ऐसे ही एक हिस्से में एक छोटी सी लड़की को कोहरा मचा रखा था, जिसका नाम था गंगूबाई, जिस पर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली आलिया भट्ट को लेकर फिल्म भी बना रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी फिल्म गंगूबाई कट्यावाड़ी को लेकर पिछले काफी समय में चर्चा में है। संजय लीला बंसाली के इस फिल्म में अब एक्टर अजय देवगन की भी एंट्री हो गई है। जानकारी के मुताबिक फिल्म में अजय गैंगस्टर करीम लाला के ही रोल में नजर आएंगे और उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के लिए 10 दिन भी तय कर लिए हैं। अजय अपनी फिल्म मेरे की शूटिंग खत्म करने के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो करीम लाला गंगूबाई को अपनी बहन मानता है और उस समय उसका साथ देता है जब कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। बता दें कि लेखक एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई के मुताबिक गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ी की रहने वाली थी, जिसके चलते उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम मिला था। इसी तरह इस साल मुंबई सागा भी एक आगमी फिल्म होगी जो गैंगस्टर पर बेस्ड होगी, लेकिन जो कमाल और धमाल दर्शक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो केवल संजय दत्त ही दे सकते हैं अपनी इस मच अवेटेड सीक्वल फिल्म में। तो क्या आपको भी लगता है कि संजय दत्त 61 ईयर्स के उम्र में कर पाएंगे मुंबई पर राज? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है सिमरन रावत।